जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है, शिव ही प्रेम है, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नरनारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय या सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम जप लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया और अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी उन्हें उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिए। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे भगवान विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था, उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए और उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री राम, हर हर महादेव।